Hi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. دعينا الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عزيز طلبة، بحمد الله تعالى وبعونه جل وعلا سمستر 5 کا ایپیسوڈ نمبر 1 پہلا سبق آپ کے سامنے ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اپنا بابرکت سبق کا آغاز کریں گے حدیث نمبر 2763 سے 2777. یہ ٹائم ذرا ہمارا شارٹ ہو گیا پہلے کی نسبت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے ذرا ہمیں اور زیادہ تیزی دکھانا پڑے گی. فوکس انشاءاللہ ترجمہ پر ہوگا، باقی اس کے بارے میں جو قابل وضاحت عبارت یا لفظ ہوا وہ انشاءاللہ مختصر وضاحت بھی کی جائے گی، اور ساتھ ہی حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی مختصر کی جائے گی، اشارہ کیا جائے گا، تاکہ ہم اس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام سے احادیث کا ذخیرہ اس کو ہم اپنی نظروں سے گزار سکیں. وما توفیقنا الا باللہ. تو یہ ہماری جو آج کی پہلی حدیث ہے 2763 سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے، میں آپ کو کتاب کی طرف لیے دیتا ہوں انشاءاللہ.
जी अजीज तलाबा स्क्रीन नजर आ रही है? जी उस्ताद आ रही है। जी ओके, शुरू करते हैं। असल में मिसिंग हो गई थी इस किताब की, मैंने दोबारा ट्राई की है और मैं लाया हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं। ये किताबुल बुयू है, खरीदो फरोख्त का चैप्टर, बड़ा वसीह वरीद है और इसमें हमारे पास ये हदीस आई है आज के इस चैप्टर के हवाले से। और हमारा ये जो सेमेस्टर है फिफ्थ, इसकी ये पहली हदीस है 2763। वन राफे बिन खदीजन, और बाब इसका जो है वो तालब, बाबुल कस्ब व तलब हलाल, कमाई का बाब और हलाल रोजी कमाने के बारे में। किताबुल बुयू, खरीदो फरोख्त का चैप्टर, इसमें ये पहली हदीस आपने जहन में रखिएगा, बाब तालबुल कस्बे या बाबुल कस्बे व तलबुल हलाल, हलाल कमाई की तलब और उसकी तलाश जुस्तजू, और खरीदो फरोख्त का चैप्टर है बड़ा बाब किताबुल बुयू। राफ़ बिन खदीज, वन राफ़ बिन खदीजन रदी अल्लाह तआला अन्हु काल, सैयदना राफ़ बिन खदीज रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सामानुल कल्बे खबीसुन, कुत्ते की कीमत जो है ये क्या है, खबीस है, यानी गंदी है, नजस है, नापाक है और जहर हराम तो है ही। वह महरुल बग़ी, और इसी तरह बद किरदार मर्द हो या औरत, उसकी कीमत, बद किरदार आदमी, महरुल बग़ी, उसकी उजरत, उसका उसका जो अपना बदल है वो महरुल बग़ी, जो कि इज्जत नीलाम करने वाले लोग होते हैं वो भी खबीस है। महरुल बग़ी, बग़ी बग़ी मुराद बग़ी नहीं है, बग़ी यानी कोई भी बद किरदार मर्द हो या औरत। खबीसुन, ये क्या है, खबीस है यानी हराम है, गलीज है। व कस्बुल हज्जाम खबीसुन, और इसी तरह हिजामा जो लगवाने की कीमत अदा करना है, यानी अगर कोई हिजामा किसी को लगाए और उसकी कीमत जो है वो वसूल करे, तो ये भी खबीस यानी ये भी हराम है, मुराद हुरमत है इसकी। लेकिन आगे हदीस आएगी तो जिसमें महरुल बगी का माना जो है बद किरदार या जानिया, खातून, औरत वगैरह। और इसी फसल की आखिरी हदीस में ये आया है, जिक्र हुआ है कि अबू तैबा नामी एक शख्स था जिसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सींगी लगाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खजूरों का एक साड़ यानी 2.5 किलो तकरीबन ये दिया। तो यहाँ इस हदीस में ममानियत है, जैसे वकस्बुल हज्जाम खबीसुन यहाँ जिक्र हुआ है, तो बहरहाल इससे मुराद हुरमत से कराहत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आखिरी हदीस जो है उसके जिक्र होने से मालूम हुआ कि यहाँ यह हिजामा की जो उजरत है ये बहरहाल मकरूह है, हराम नहीं। इसको अगर आदमी खुद खाने पीने की बजाय इसकी उजरत को जानवरों की खुराक पर लगा दे तो ये ज़्यादा एहतियात के काबिल है, खुद ना खाए तो इंशाल्लाह वो उसको पढ़ेंगे हम। दूसरी जो है वो हदीस है 2764, वन अबी मसूद ने अंसारी रदी अल्लाह तआला हो, सैयद अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन समनिल कल्बे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने से मना किया है, रोका है। वह महरल बगीये, और इसी तरह बदकार शख्स जो है उसकी उजरत। वह हुलवानुल काहिने, और काहिन जो है उसकी शिरीनी या उजरत वगैरह, यानी नदराना या न्याज, जो काहिन है जो गैब दानी का दावा करते हैं वलियाज़ुबिल्लाह, और लोगों के ईमान और लोगों के अकीदे और लोगों की दौलत को वो इसी तरह गसब करते हैं। हुलवानुल काहिन को आप अंडरलाइन कीजिए, काहिन की शिरीनी या न्याज वगैरह। तो काहिन की उजरत में वो भी लोग दूसरे भी शामिल हैं जो बैठे होते हैं सड़कों पर, रम्माल, जफ़ार और पंडित वगैरह,
ये सब शामिल है इसमें, जो गैब के दावे और खबरें देते लोगों को, जाहिल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे अपना दौलत हथियाते हैं, वलियाज़ु बिल्ला, ये सब नाजायज और हराम है। 2765 नबी जुहैफा था, अबू जुहैफा रजी अल्लाह अनु से ये रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सामानी दमे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत से रोका है। मुराद ये वही सींगी लगवाना, जिन्हें पचने भी कहते हैं हम, और आजकल अरबी अंग्रेजी जुबान में कप लगवाना भी कहते हैं, कप्स, ताकि जमीन जो गंदा खून है वो निकलवाया जाए जिस्म से। व सामान कल्बे और कुत्ते की कीमत, इससे भी मना किया। व कस्ब बगी और बदकार शख्स की कमाई, ये भी हराम करार दी, आपने मना किया। व लान आकिल रिबा और लानत की सूद खाने वाले पर, व मुँह के लहू और उसको खिलाने वाले पर, वल वाशिमता और गूंदने वाली, जिस्म को गूंदने वाली वाशिमा। आपको इल्म है कि ये बाज़ लोग खास तौर पे दीगर अफ्रीकी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा ये मामला यहाँ भी है, वाशिमा, जिस्म को गूंदवाना सुई के साथ और सुरमा भरना उसमें, और इस तरह के मुंह, चेहरे और हाथों और पलकों पर, और इसी तरह लबों पर। वल वस्तोशिमा और गुदवाने वाली, गूंदने वाली और गुंदवाने वाली, ये काम करवाने वाली जो है, दोनों एक ही कैटेगरी में है। वल मुसव्विर और तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर, ये सब जो है इनकी कमाइयाँ अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी हैं। तो मुस्तवशिमा का मतलब जिस्म का कोई सा गुदवाने वाली, और इससे मुराद बदन में सुई से सुरमा या नील वगैरह भरना। कुछ लोग पेशानी, हाथों या रुसारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनवाते हैं। सामान उद्दम, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, मुरादा सिंगी लगवाने पर उजरत लेना। आ गया जाबर रजी अल्लाह अनु से, अन्ना उसामे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल आम अल फतह वा वब मक्का, जाबर रजी अल्लाह अनु से रिवायत है, और वो उन्होंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकूल, वो कह रहे थे आम अल फतह, फतह के साल, वा वब मक्का, साल में क्या मक्का मुकरमा थे, जिस साल मक्का फतह हुआ, इन अल्लाह व रसूलु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्रमा बई अल खमरे, हराम करार दे दी खरीदो फरोख्त शराब की, वल मैतते और मुर्दार की, वल खंजीर और सुअर की, पिग, वल असनाम और बुतों की, ये जो बुत बना बना कर बेचते हैं, वलियाज़ु बिल्ला, ताकि उन्हें पूजा जाए। फकीला या रसूल अल्लाह, तो कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आरई था शहूम अल मैतते, ये तो तेरा रहनमाई फरमाइए, बताइए मुर्दार की जो चर्बी है उसके बारे में। फाइन उतो तला बेहद सुफोनो, इसलिए कि इन इस चर्बी के जरिए जो कश्तियां हैं, पानी में चलाने वाले जो रोजगार रखने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, वो क्या करते हैं, तो तला बेहद सुफोनो, तो इससे कश्तियों को वो लेपते हैं, यानी रोगन करते हैं, रोगन की जाती हैं इस चर्बी के साथ कश्तियाँ, यानी कि सुराख बंद किए जाते हैं कि पानी ना पड़ जाए। वयुदख्खनु बिहा अलजुलूदो, और इसी तरह इसमें इसके साथ जो खाले हैं वो अपना मलाइम की जाती हैं, यानी युदख्खनु, उन पर तेल, यानी उनके साथ चर्बी मलकर उन पर जुलूद जो है स्किन्स, खालों पर उनको चमकाया जाता, नरम किया जाता है, चिकना किया जाता है। युद्ध खानो बिहा अल जुलूदो, ये इसके साथ चर्बी के साथ जो खाले हैं उनको, यानी स्किन्स वगैरह को चिकना किया जाता है, नरम मलायम किया जाता है। वो यस्तस्बेहो बिहा अन्नासु, और लोग इसके साथ दिए जलाते हैं। यस्तस्बेहो बाब इस्तिफाल बिहा, इन इस चर्बी चर्बी के साथ लोग जो है वो दिए भी जलाते हैं। वकाल, आपने फरमाया ला ला, नहीं हो वह हराम, ये हराम ही है। सुम्मा काल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंदा ज़ालिका, फिर आपने उस वक़्त ये वजाहत भी फरमाई, कातल अल्लाहुल यहूदा, अल्लाह पाक कत्ल करे मारे यहूदियों को, इन अल्लाह लम्मा हर्रम शहूमा, बेशक अल्लाह पाक ने जब इन जानवरों की हराम चर्बी को हराम किया, हज मालू हो तो उन्होंने उसको पिघलाया, खाया तो नहीं, उसको गिज़ा के तौर पे बराह रास्त तो नहीं खाया, लेकिन उसने हीला किया उन्होंने,
हज मालूह उन्होंने उसको पिघलाया, सुम्मा बाऊ फिर उसकी उसको बेचा, वाकालू सामान आऊ और फिर उसकी कीमत को जो है वो खा लिया, हीला करके खाया। वयस्तस्बे वन्नासु का माना अंडरलाइन कीजिए और इसके साथ लोग चिराग भी जलाते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ हीला करने वालों के खिलाफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ फरमाई कि उन्होंने चर्बी खाई तो उन्हें तो चर्बी तो खाई नहीं बल्कि उसे पिघला कर उसे बेचा और उसकी कीमत हड़प कर गए, वलियाज़ु बिल्ला, तो ये हराम है। वन उमारा उमर रजी अल्लाह ने से रवायत है, अगली हदीस 2767, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कातल अल्लाहुल यहूदा, अल्लाह कत्ल करे मारे यहूदियों को, हुर्रिमत अलैहिम अश्शुहूम के जिन पर मुर्दार की चर्बी हराम कर दी गई, अश्शुहूम शहम की जमा, फजमलुआ तो उन्होंने उसको पिघलाया, तबाह हुआ और उसको बेचा और कीमत खा गए, वलियाज़ु बिल्ला। यह हदीस भी जो है वो सही है और मुत्तफ़क़ अलैह है। फजमलुआ को अंडरलाइन कीजिए, तो उन्होंने उसको पिघलाया। आगे हदीस है, वन जाबिरिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सामानिल कल्ब वस्सिनौरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कुत्ते की कीमत से और बिल्ली की कीमत से, यानी इसको इन दोनों को खरीदो फरोख्त करना जायज़ नहीं है। बस इन और अंडरलाइन की जिसका माना है बिल्ली। अच्छा जी, तो बहरहाल बिल्ली की कीमत खा कुत्ता शिकारी हो या गैर शिकारी, तीन इमाम जो हैं और अक्सर अहले इल्म के नज़दीक इनकी जो खरीदो फरोख्त है वो हराम है, जायज़ नहीं। सुनन नसाई की एक रवायत में आया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना फरमाया मगर शिकारी कुत्ते की कीमत नहीं। तो बाद इमाम नसाई की इस रिवायत के मुताबिक सिर्फ शिकारी कुत्ते की कीमत लेना जायज़ है खरीदो फरोख्त में, क्योंकि उस पर मेहनत की जाती है, सुदाया जाता है। वाना सेन अनस रजी अल्लाह ने से रवायत है, काला हाजा अबू तैयबा था, सिंगी लगाई अबू तैयबा ने, अबू तैयबा नामी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिंगी लगाई, फामर लहू बिसाइन मिन तमरिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए हुक्म दिया एक सा खजूर इसको दी जाए, एक सा यानी 2.5 किलो, 2.5 किलो जो है वो आपने हुक्म दिया उसको खजूर देने का, और वह अमरा लहू और उसके जो आका थे या उसके मालिक वगैरह सरपरस्त उनको हुक्म दिया, यूँ खफ़ेफ़ू अन हो मिन खराज ही कि उसकी जो उसका जो खराज है उसकी कीमत से तख़फ़ीफ़ की कर दो, यानी उसकी कीमत खराज की कम कर दो। सा जो है वो 2.5 किलो का है, ठीक हो गया जी। 2770 हदीस है आगे हमारे पास, और 2769 जो है वो पढ़ ली है, तो ये वजाहत पहले हो चुकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस जो शुरू में हमने पढ़ी उसमें मना फरमाया हराम है, यानी हज्जाम जो यानी हिजामा करने वाली जो है क्रिया करने वाला उसको कीमत देना, लेकिन यहाँ आपने अबू तैबा को दी तो उस वक़्त हमने वजाहत की थी कि ये हराम तो नहीं, हम कहते सिर्फ हिजामा की कीमत जो है वो लेना जायज़ या देना जायज़ है, ये बहरहाल मकरूह है और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खुद ना खाए बल्कि अपने जानवरों वगैरह को खिला दे, इसमें एहतियात है जी। दूसरी फसल आ गई है 2770 इसी बाब की, बाब तलबिल कस्बे व तलबिल हलाल। दूसरी फसल आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कालत कहती हैं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नातिया व मा अकलतुम मिन कस्बिकुम, सबसे पाकीज़ा वो खाना है जो तुम खाते हो अपने हलाल की हाथों की कमाई से, मिन कस्बिकुम, हाँ ये अपनी कमाई, मिन कस्बिकुम, व इन्ना औलादकुम मिन कस्बिकुम, और बेशक तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई में से है। रवा तिरमिज़ी व नसाई व इब्न माजा, इन तीनों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया है।
काफी रिवायत है अबी दाऊद और इमाम अबू दाऊद की रिवायत में, व दारमी और इमाम दारमी की रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, कदर मुख्तलिफ हैं। माना वही है, इन्नातियबा मा आकर रजुलू, बेशक सबसे पाकीज़ा जो रोज़ी आदमी ने खाई, मिन कस्बेही, वो उसकी अपनी कमाई से है, अपने हाथों की कमाई, अपने ज़ाती कमाई। व इन्ना वलदा मिन कस्बेही, और बेशक उसका बच्चा यानी औलाद भी उसकी उसकी कमाई से है। तो ये यदि सही है, बहरहाल वालिदैन अगर मोहताज हैं तो उनका खर्च औलाद पर वाजिब है, और अगर मोहताज या आजिज ना हूँ, गरीब ना हूँ, ज़रूरतमंद ना हूँ, तो औलाद पर खर्च करना वाजिब तो नहीं, मगर फिर भी वो औलाद के माल से बगैर पूछे खा सकते हैं। मतलब यही है कि वालिदैन के लिए औलाद का माल भी हलाल और तय्यब है और अपने कमाए हुए माल की तरह है। तो मालूम हुआ कि वालिदैन की औलाद वो उनके कमाई में से है। 2771 हदीस वन अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, कहा आपने फरमाया, ला यक्सबु अब्दुन माल हरामिन, नहीं कमाता कोई भी बंदा हराम माल, फैयतसद्दकु मिन्हु, फिर उसमें से सदका भी करता है, फयुक़बालु मिन्हु, तो फिर उसको कबूल किया जाए, ये नामुमकिन है। वला युन्फिकु मिन्हु, और नहीं खर्च करता उससे, फयुबारकु लहू, के उसमें फिर बरकत भी दी जाए, फयुबारकु लहू फीहि, क्योंकि हराम माल है, खर्च करता है तो उसमें से बरकत नहीं दी जाती, सदका करता है कबूल नहीं किया जाता। वला यतरुकु खल्फ वहरिही इल्ला काना, और नहीं छोड़ता वो अपने फौत हो जाने के बाद, अपने मौत के बाद, अपने पीछे वो रसा के लिए उस माल को जो कि हराम कमाई का है, इल्ला कान आज़ादुहू इलन्नार, मगर ये कि वो उसका ज्यादा करना है आग की जानब, यानी जो लेने वाला है वारिस उसको उसकी तरफ आग की तरफ ही उसको बढ़ाता है, आग वो उसके लिए आग में इजाफे करना। इल्ला कान आज़ादुहू इलन्नार, मगर वो जो छोड़ कर जाने वाला खुद आदमी है उसके लिए वो आग की तरफ ही ज्यादा करता है, उसको आग में ही इजाफे का सबब बनता है, आग की तरफ उसको बढ़ाता है, वलियाज़ु बिल्लाह, अगर वो पीछे और असा में भी छोड़ जाए तो उसके लिए बजाय फायदे के नुकसान है, आग की जानब भी उसको ले जाता है। इन्नल्लाह यमहु अस्सैया, बेशक अल्लाह पाक नहीं मिटाता, इसलिए कि अल्लाह पाक का ये जाब्ता कानून है, कायदा है, सुन्नत है, ला यमहु सैया, नहीं बुराई को मिटाता, बिसैये बुराई से, वलाकिन यमहु सैया बिलहसन है, बल्कि अल्लाह पाक जो है वो मिटाता है बुराई को नेकी के जरिए। इन्नल खबीसा ला यमहु अल खबीसा, और हकीकत ये है कि जो खबीस चीज़ है वो खबीस को नहीं मिटाती, गंदी चीज़ गंदगी को नहीं मिटाती, अगर गंदगी लगी हो तो पेशाब से अगर धोया जाए मिट जाएगी। रवा अहमद व कज़ाफ़ी शर सुन्ना, इसे इमाम अहमद ने रिवायत की है, और इसी तरह इमाम बगवी ने से शरह सुन्ना में भी रिवायत किया है। 2171 हदीस आई है, बहरहाल इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, इसलिए कि सनद में असफ़ाह बिन मोहम्मद ज़ईफ़ रावी है। चलो जी, तो ये हदीस जो है ये बहरहाल अगर मफहूम देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये हराम माल का अंजाम यही है, दुनिया और आखिरत दोनों जानों में नुकसान का बायस है। अगली हदीस है, जाबर रजी अल्लाह अनु से काला, कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन, नहीं दाखिल होगा कोई गोश्त जन्नत में, नबतन मिन सुहते, जिसने परवरिश पाई हो हराम माल से। अल्लाह अकबर वलियाज़ु बिल्लाह। वकुल्लु लहमिन, और हर गोश्त नबता जिसने ग्रोथ की, नशो नमा पाई, मैंने सोहत हराम से, कानत नार ओला बे, तो जहन्नम की आग उसका ज्यादा हक रखती है, उसको खाए उसको चिमटे। वलियाज़ु बिल्लाह। रवा अहमद व दारमी वल बहकी फी शुआबिल ईमान, इमाम अहमद, इमाम दारमी, बहकी रहमहुल्लाह, तीनों ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में इस हदीस को रिवायत की है, और इमाम बहकी ने शुआबिल ईमान में। 2772 हदीस, हदीस में इबारत ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबता मिन सुहते का तर्जमा अंडरलाइन कीजिए, हराम माल से परवरिश पाने वाला गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वल्लाहु
इस हदीस की सनद भी सही है। आ गया है 2773 हदीस बान हसन बिन अली, अनस बिन अली, हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से ये रवायत है। हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, कहते हैं हाफिज़ तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने याद रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कायदा, ये गुफ्तगू, आपका कलाम, दा मा यरीबो का इला मा ला यरीबो का, कि छोड़ दे उस चीज़ को जो तुझको शक में डाले और उस तरफ रुजू कर जो कि तुझे शक में ना डाले। शक में डालने वाली चीज़ को छोड़कर शक में ना डालने, यानी हकीकी चीज़ की तरफ रुजू कर जो शक में ना तुझको डाले। फिन नसिद का तमानी न तुम नस्ली की सच्चाई तमानी इत्मीनान का बायस है, वा इन अलकज़े बारी बतुन, और बेशक झूठ जो है वो शक है, या झूठ में शक है, शक का बायस है, इंसान साहिब ईमान को परेशान कर देता है, दिल परेशान और होने लगता है। रवाह अहमद व तिरमिज़ी व नसाई, इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई ने इसको रिवायत किया है। व रवा दारमी हो, और इमाम दारमी ने अलफसल अलव्वल पहला हिस्सा जिक्र किया है। इमाम दारमी ने कौन सा, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, बस। बहरहाल हदीस जो है 2773 हदीस, इसकी सनद सही है। दा मा युरीबो का इला मा ला युरीबो का, ये इस्लाम में जाबता है हलाल हराम के बारे में, शक वाली चीज़ जो है उसको छोड़ दो और यकीनी चीज़ को इख्तियार करो। आगे है वन वाबिसा तबने माबदिन, वाबिसा बिन माबद रजी अल्लाह से ये रवायत, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या वाबिसा तो है वाबिसा जी तत्सलिस्में, आप आए हैं पूछने नेकी और गुनाह के बारे में, पूछते हैं। बोल तो ना, मैंने कहा हाँ। काल, आपने फरमाया, काल, फिर आपने जवाब में क्या किया, फजामा असाबिऊ, अपनी उंगलियों को इकट्ठा फरमाया, मिलाया, जमा किया, फदारा बेहा सदरा हु, और उन उंगलियों को उनके सीने पर मारा, किन के सीने पर, वाबिसा के, वाबिसा बिन माबद रजी अल्लाह के। वकाल, और आपने फरमाया, ए वाबिसा इस्तफ्ते नफसक, आपने दिल से पूछ, फतवा तलब कर, इस्तफ्ते कल्ब का, आपने नफ्स से पूछ, आपने दिल से पूछ, तलासन, तीन बार आपने फरमाया। और ये फरमाया, अलबिर्रो मत मानना तैली नफ्सो, नेकी वही है कि जिसकी तरफ जी इंसान का जो है वो चाहे, जी मुतमैन हो, वत मानना अली कल्ब हो, और दिल जो है उस पर इत्मीनान हासिल करे उसको करने से, वल इस्मो माहा का फिन नफ्स, जबकि गुनाह जो है वो है जो दिल, जो नफ्स में, जी में खटके, दिल न चाहे, दिल में शक पड़े, वतरद्दद फी सदरे, और सीने में वो मुतरद्दद हो, इंसान को चैन ना लेने दे और इंसान का सीना धक धक करने लग पड़े। साहिब ईमान का मामला है ये, बुरे शख्स का मामला नहीं। वह नफ्ता कन्नास हो, खा उसके जवाब होने का लोग तुझे फतवा भी दें, तो फिर भी वही नफ्स जाप्ता है गुनाह का कि जो तेरे दिल में खटके और तरद्दुद पैदा करे। रवाह अहमद व दारमी, उस इमाम अहमद और इमाम दारमी ने रिवायत किया है इस हदीस को। अल्लाह अकबर, हदीस की सनद तो ज़ईफ़ है कि सनद में अय्यूब बिन अब्दुल्ला मस्तूर, जबकि अबू अब्दुस्सलाम मजहूल हाल है। ये सनद के एतबार से हदीस ज़ईफ़ है, खासी ज़ईफ़ है, क्योंकि दो इसमें इल्लतें हैं। सनद में अबू अय्यूब बिन अब्दुल्ला मस्तूर, जबकि अबू अब्दुस्सलाम मजहूल, लेकिन ये मिन असल मफहूम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस 2553 वो इसी मफहूम में हमें इससे मुस्तगनी कर देती है, इसलिए इसका शाहिद सही सनद के साथ मौजूद है। जी आते हैं आगे, हदीस है वन अतीयता असादी, सैयदना अतिया सादी रजी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है। काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यबलुगुल अब्दु अन यकूना मिनल मुत्तकीन, हाँ जी, बंदा जो है वो मुत्तकीन की हुदूद या मुत्तकीन के मर्तबे पर नहीं पहुंच पाता, हत्ता यहाँ तक कि यदा माला बासबे, यहाँ तक कि वो छोड़ दे उन चीज़ों को भी, उन आमाल को भी जिसमें, जिनको करने में हर्ज नहीं, यानी जो जायज़ हैं उनको भी छोड़ दे, हादरन, बचते हुए, लिमा बही बासुन,
इसके साथ के वो जो नाजायज हैं उनसे भी, यानी नाजायज से बचते हुए उन चीजों को भी छोड़ दे जो कि जायज हो सकती हैं, तो उस वक्त यानी इसको जोद भी कहते हैं। ला यबलुग अब्द अन यकूना, नहीं पहुंच पाता बंदा ये कि हो मुत्तकीन के की सफ़ों में या मुत्तकीन में से, यहाँ तक कि वो इतनी एहतियात बरते कि यदा अमाल अबा सभी, उन चीज़ों को भी छोड़ दे जो जायज़ हैं, जिनका करना बाज़ अवक़ात जायज़ होता है। हादन लिमा बईबा सुन, उन चीज़ों प्लस उन चीज़ों से बचते हुए कि जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ हैं, उनसे तो बचना ही है। रवा तिरमिज़ी व इब्न माजा, इसे इमाम तिरमिज़ी इमाम इब्न माजा ने रिवायत की है इस हदीस को। तो बहरहाल ये हदीस जो है ये सनद के एतबार से अहल इल्म के यहाँ मुख्तलफ ही है, बाद ने इसे ज़ईफ़, जबकि बाज़ दीगर मुहक्किकीन ने इसकी सनाद को सन कहा है। अल्लाह ताला आला वालम बिसवाब, बहरल मिनहसुल मफहूम बिल्कुल ठीक है, इसे ज़ोद कहते हैं। और तकवा भी यही है कि हराम से बचने की खातर मुबाह मुबाह चीज़ जो है जाए उसको भी तरक कर दे। मिसाल के तौर पर नामहरम औरत से बात करना दुरुस्त है, यानी ज़रूरत के मुताबिक नामहरम जो जवान औरत से आप बात कर सकते हैं, एक मर्द के लिए जायज़ है, मगर इस खदशे के पेश नज़र के कहीं मामला जो है इससे आगे तक ना हो जाए तो उससे बात करने से गुरेज करे। तो ये है एक जोहद और तकवा कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। हाँ जी, आगे हदीस हमारे पास वहाँ अनस इब्ने मालिक, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु से ये रवायत कहा, वो कहते हैं लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई फिल खमरे, सुन लीजिए जरा, शराब में, यानी शराब बनाने पीने में, आशरातन यानी शराब के बारे में, फिल खमरे आशरातन 10 लोगों पर, 10 किस्म के लोगों पर शराब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। देखिए जरा इस शराब का जो अमल है, इसकी जो कबाहत है, इसकी जो शनाअत है, गंदगी है, गलाजत है, हुरमत है। आसे रहा उसको निचोड़ने वाला, यानी उसको बनाने वाला, हाँ जी, वो तासे रहा और उसको निचड़वाने वाला, कुशीद करवाने वाला, यानी ये करने वाला होता है, करवाने वाला होता है, दोनों एक ही कैटेगरी में। वह शारे बहा और उसको पीने वाला, वह हामिल रहा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब के बारे में 10 बंदों पर, उसको कशीद करने वाले पर, उसको कशीद करवाने वाले पर, उसको पीने वाले पर, वह हामिल और उसको उठा कर ले जाने वाले पर, वल महमूल आता इलैहि और जिस शख्स की तरफ वो उठा कर ले जाई जा रही है, वह साकिया और उसको आगे पिलाने वाले पर, साकी पर लानत, वह बायहा और उसको बेचने वाले पर, वह आकिला सामान्य और उसकी कीमत को खाने वाले पर, वल मुश्तरिया इलैहा और जिसकी तरफ वो ले जाई जा रही है ना, वल मुश्तरी लहा उसको खरीदने वाले पर, वल मुश्तरा लहू और जिसके लिए वो खरीदी जा रही है, खरीदने वाला भी और जिसके लिए खरीद के ले जा रहा है उस पर भी। तो इस तरह ये 10 लोग हैं जो कि शराब के मामले में जो इन्वॉल्व हैं, इन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। किसकी लानत है? लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब अल्लाह के रसूल की लानत है तो अल्लाह की लानत। रवा तिरमिज़ी व इब्न माजा, इसे इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न माजा दोनों रहमहुल्लाह ने जिक्र किया। इस हदीस की सनद हसन है यानी सही है। अंडरलाइन कीजिए, मोतासे रहा का मतलब है कशीद करवाने वाला यानी पकड़वाने वाला। बहरहाल आगे हदीस है 2777, वो भी शराब के बारे में है हदीस अलावा, और ये भी मुख्तसर अल्फाज उसी जैसे ही हैं जो पहले हदीस गुजरी है, लेकिन कुछ इख्तिलाफ भी है, कुछ शॉर्ट भी है। वन इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह नुमा से ये रवायत है, और ये हदीस जो है ये थी किस पर, ये अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह नुमा से ये हदीस रवा मरवी है, काला वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लान अल्लाह अल खमरा, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई। अभी यहाँ वहाँ अल्लाह के रसूल की लानत थी, यहाँ अल्लाह की, तो आपको इल्म है कि अल्लाह के रसूल की लानत हकीकत में अल्लाह की लानत है, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूल को वही फरमाई कि लानत करो इन पर। तो यहाँ अल्लाह ने लानत फरमाई अल खमरा शराब पर,
वशारिबहा, और उसके पीने वाले पर, वसाकिया, उसको पिलाने वाले पर, वबायहा, और उसको बेचने वाले पर, व मुताहा, और उसको खरीदने वाले पर, व आसिरहा, और उसको कशीद करवाने वाले, कशीद करने वाले, व मुतासिरहा, और उसको करवाने वाले यानी तैयार करने वाले और तैयार करवाने वाले पर, व हामिलहा, और उसको उठाने वाले पर, वल महमूलता इलैहि, और उस शख्स पर भी जिसकी तरफ वो उठा कर ले जाई जा रही है ताकि उसको पिए या उसको आगे इस्तेमाल में लाए। रवा अबू दाऊद अब इब्न माजा, हई से इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्न माजा ने दोनों ने रवायत किया इस रवायत को, और ये हदीस जो है ये 2770 ये भी सनद के एतबार से सही है। तो हदीस में लफ्ज मुबताहा, इसको अजीज तलब अंडरलाइन कीजिए, मुबताहा का माना क्या है इसको अंडरलाइन कीजिए, इस शराब को खरीदने वाले पर, बेचने वाले पर भी और खरीदने वाले, इब्ता यब्ताउ ये का माना होता है खरीदता है वो शख्स या उसने खरीदा, और बा बा या बीओ का माना बायुन बेचने वाला। तो आज अजीज तलबा हमारा जो पहला लेसन है उस पर इसी पर ही हम इस हदीस पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हुए कि जो कुछ कहा सुना है अल्लाह पाक इसको समझ कर इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल है तो आप, आपके पास कुछ टाइम है, आप 1-2 मिनट। अस्सलाम वाईकुम वालेकुम सलाम उस्ताद। रहमतुल्लाह। वो जो हमने हदीस पढ़ी है हिजामा वाली के हिजामा की कीमत नहीं ले सकते, जी तो वैसे तो इधर काफी सारे हिजामा सेंटर्स हैं जो पैसे लेके हिजामा करते हैं। बात यही है, इसीलिए इसमें हिकमत है शायद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तैबा को उसमें से कुछ दे दिया, तो इसमें ये बात बिल्कुल वाजी होगी कि पहले एहतियात इसी में है कि अल्लाह के लिए अल्लाह से अजर और सवाब ले और उसको लगा दे, तो अल्लाह पाक उसको बड़ा अजर देगा उसका, ये तो असल है। लेकिन ली है तो मकरू कहा गया, जबकि मकरू इसलिए, हुरमत से कराहत इसलिए हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया कुछ। हो सकता है बेचारा गरीब हो अबू तैबा और उसने देखा कि उसने मेहनत की है, कोशिश की है, अपनी चीज़ें लाया है, तो आजकल तो खासा वो एडवांस हो गया है और उसमें खासी वो मशीनें बड़ी कीमती होती हैं और वक्त भी देते हैं। तो असल में अगर चीज़ वो सादा मामला जिस वक्त था सिर्फ वो हमारे दौर में मैंने देखा था कि हमारे बड़े जो थे वो लगवाते थे, तो वहाँ के आदमी जो हजाम होता था वो अपना को ले आता था अपना रेजर या ब्लेड वगैरह या उस तरह, तो वो उनको खड़ा करके तो वो लगा कर उसमें चिमनी लगा देता था, तो वो कोई खास उसकी कीमत नहीं लेते थे, वो ही समझते थे कि ये हमारे जैसे बाल बनाते हैं और फिर साल के आखिर में कुछ दे दिया उनको। तो ये चीज़ जो है आज इसीलिए इसमें हिकमत हुई कि ये मुस्तस्ना कर दिया गया हिजामा वाले के लिए लेना जायज़ है, तो अगर इसमें आज उसमें कोई अपनी वैल्यूज इस्तेमाल करता है वक्त देता है तो मेरा ख्याल है कि शरीयत की रूह से ये हर्ज नहीं है इसमें कोई, क्योंकि मैंने भी लगवाई जामा तो खासी महंगी लगी और बड़े वो कप लाया खरीद के और उसमें फिर उसने अपना, मैंने लगवाई एक दफ़ा तो मशीन भी लाया और खासी महंगी चीज़ें हैं वो आजकल जो इस्तेमाल में लाते हैं, तो इस तरीके से ये जायज़ बन जाती है, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें कोई फसाद की बात नहीं जैसे दीगर चीज़ें आदमी करता है लोगों के लिए और कमाई में लेता है मुआवजा। तो उस हदीस में बकिया चीज़ों का जो जिक्र हुआ है वो तो बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह हैं, लेकिन हिजामा में ये जो हमारी